महामारी फैली हुई है, उस महामारी के को अग्रणी पंक्ति में एक योद्धा के रूप में मुकाबला करते हुए मरीज को देख भी रही हैं, उनकी देखभाल भी कर रही हैं और समय समय पे दवाई भी दे रही हैं। एक तरफ लॉकडाउन में सब लोग घरों में थी और हमारी आशा बहने अपनी जान की हथेली बाजी पे रख के घरों के बीच में जाकर के लोगों की पहचान कर रही थी। तो बहनों मांग क्या रही हैं सरकार से, यही मांग रही है कि हम इस संकट की घड़ी में जो काम कर रही है उस काम के बदले में हमें 4,000 रुपये दे दो, हमें पक्का कर दो, हमारा जो है जो बीमा है वो किया जाए। इसलिए और कुछ नहीं मांग रही, लेकिन ये सरकार बातें बड़ी बड़ी कर रही है लेकिन देने के नाम में कुछ भी नहीं है। और जब बातचीत करने का समय आता है तो ये इतने नौटंकी करते हैं, एक कोरोना को आगे जाके इतना ही आंदोलन तेज होगा उतने ही हम सड़कों पर ज्यादा आएंगे संख्या में। इसीलिए आज ये चेतावनी के रूप में हम कहना चाहते हैं कि ये जो किसान विरोधी मजदूर विरोधी जो अध्यादेश लेके आए हो इनको आप रद्द करो और उसके साथ साथ हर आदमी को रोजगार का प्रबंध करो, शिक्षा का, खाद्य सुरक्षा का, स्वास्थ्य का, ये आपको प्रबंध करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों जिंदाबाद 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 किसान विरोधी काले बिल वापस लो वापस लो वापस लो। कुलदीप गांगू जी 5 मिनट आपके सामने बात रखेंगे। कुलदीप गांगू जी बात करो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रवण कुमार जी, मेरे सीनियर साथी बन मेरे छोटू का साथी और मेरी बहने मैंने सबको नमस्कार सलाम। अरे बोलो नहीं वोट आंदोलन पूरी शक्ति शामिल रहती है, इसके लिए बहुत बहुत करते हैं आपका धन्यवाद करते हैं। और अभी यहाँ से 5 मिनट के बाद निकलेंगे, हमारे बैंक सर्वे का साथी अजीत जी बोलेंगे 2 मिनट, उसके बाद हम यहाँ से ये अपना सदर बाजार पहुँचेंगे और छोना चौक पे हम समापन करेंगे। मेरा नाम कुलदीप जांगू है। कुलदीप जी बात करें, आज जो आशा वर्कर हड़ताल लगातार 2 से 2 महीने से ऊपर हो चुका है, इसके बारे में क्या कहना है? ये जो आज का जो हमारा आंदोलन है ये मुख्य आधार पे किसानों का समर्थन के लिए हम आए हैं। तमाम मजदूर साथी हमारे गुड़गांव के सारे तमाम मजदूर साथी आए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो किसानों का बिल काला कानून लाए हैं, उनके किसानों के जो आंदोलन चल रहे हैं उनके समर्थन में हम अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम आगे रैली निकालेंगे। हमारी यही मांग है कि किसानों का जो बिल पास किया है तो निरस्त किया जाए और साथ ही जो 300 कर्मचारियों का कानून उन्होंने पास किया है मजदूरों का छठने का, वो वापस लिया जाए। बात है किसानों की, जिस पर किसानों पर से भाजपा सरकार डंडे तक बरसाए, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ बिल्कुल निंदनीय है और बड़ी बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात यह है, राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य का गृह मंत्री वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है पीपली में। बिल्कुल लाठीचार्ज हुआ है और 100% हुआ है, सारी सोशल मीडिया पर है, उसको एक सेल्फ डिफेंस का नाम लेके उसको उलझाया जा रहा है। ऐसी ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसान और मजदूरों पे जो लाठी पड़ेगी वो सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी। अभी आशा वर्कर हड़ताल लगातार 3 महीने से जारी है, उसके बारे में कहना है? और आपने जो समर्थन आशा वर्कर्स को आज दिया है उसके बारे में कहना है? बिल्कुल हमारा पूरा समर्थन है और इनकी सारी मांगे हम मनवाने के लिए हम हर तरह का बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे। आज जो आपने रिलीज का आयोजन किया है इसके बारे में क्या कहना है? ये जो आज का जो 25 सितंबर का जो आंदोलन है ये किसानों के समर्थन में है, क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश पास किए हैं उसका हम विरोध करते हैं और आज किसानों के समर्थन में हम लोगों ने जो भारत बंद का जो आह्वान किया है उसके समर्थन में हम आज यहाँ पे आए हैं। और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि ये जो किसान विरोधी जो अध्यादेश पास किए हैं वो बहुत ही गलत है, उसका आम आदमी पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ किसान जो है खुद खून पसीने की मेहनत करके फसल को उगाता है और आज वो सब कुछ उन कारपोरेट घरानों को देने पे तुली हुई है सरकार। उसके बावजूद जो है पहले जो अनाज का जो भंडारण था एक समय एक सीमा तय होती थी कि उसमें कितना इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अब पूरा जो है कारपोरेट को पूरी छूट दे दी गई है, इससे जो है महंगाई बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ती है तो जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो जरूरत की वस्तुएं हैं, जो रसोई की जरूरत की चीज़ें हैं वो महंगी होंगी और जो महंगी होंगी तो उसका जो प्रभाव है एक महिला पे भी पड़ेगा।
एक महिला के ऊपर पड़ेगा, तो एक तरफ तो महिला और जो बच्चे हैं कुपोषण का शिकार है, उनकी कमी है, दूसरी तरफ जो है खाद्य भंडारण जो चीज़ें हैं, खाद्य सुरक्षा की जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी, तो उससे जो है स्वास्थ्य पे भी इसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने, तमाम ट्रेड यूनियनों ने, तमाम संगठनों ने मिल के इसका विरोध किया है, और हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो अध्यादेश पारित किया है उसको वापस लें, उसको रद्द करें, अन्यथा ये आंदोलन और तेज होगा। आशा वर्कर की बात करें, काफी देर से दो महीने हो गए आशा वर्कर की हड़ताल को लेकर मांगों को बैठे, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, आशा वर्करों का देखो लगातार 3 महीने के करीब हो चुके हैं ये लगातार हड़ताल पे हैं, और हरियाणा की सरकार जो है मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते रहे हैं, अच्छी बात है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा अच्छा दिया था, और हम महिलाएं भी उससे बड़े मतलब जो है खुश हुई, प्रभावित हुई, लेकिन वो नारा अब जब साबित नज़र आ रहा है कि लगातार इतने दिनों से सड़कों पे बैठी है, और एक तरफ ये वो महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई काम करते हैं, और एक तरफ जब कोरोना महामारी फैली हुई थी, लॉकडाउन था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि सब घर पे रहो, जो कुछ तो बाहर निकलो, कोई घर से बाहर ना निकलो, और ये यही आशाएं जिनको सिर्फ 4,000 रुपये महीने के मिलते हैं, ये वही आशाएं सड़कों पे थी, घरों में जा करके इन्होंने पहचान की, इन्होंने मरीजों की पहचान की, और अब भी है समय समय पे उनके घर जा रही हैं, दवाइयां दे रही हैं, लेकिन इनकी मांग क्या है, इनकी मांग यही है कि इनका जो है इंसेंटिव भी वो भी काट लिया गया है, 50% कर लिया गया है, यानी कि एक तरफ तो हौसला देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, तो प्रोत्साहन राशि तो दूर जो इनको मिलता था उससे भी उसको भी काट दिया गया है। दूसरा ये है कि ये स्वास्थ्य विभाग, हम इसको कहते हैं कि इसको विभाग बनाया जाए, क्योंकि बच्चे भी पैदा होंगे, गर्भवती महिलाएं भी होंगी, बीमारी भी चलेंगी और देश भी चलेगा, तो उसमें इनको परमानेंट किया जाए, ये हम भी चाहते हैं कि इनको पक्का किया जाए, क्योंकि इनकी जो है काम बहुत ही सराहनीय काम है, और हम मनोहर लाल खट्टर जी से, हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको माना जाए, और अभी तक भी हरियाणा सरकार ने सूद नहीं ली है, एक बार भी बातचीत नहीं की है, तो मैं समझती हूँ कि ये जानबूझ के महिलाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं तो ये आशा वर्कर अकेली नहीं, हरियाणा की तमाम महिलाएं, तमाम महिला संगठन भी इनके समर्थन में उतरेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। मीरा जी, बात करें, लगातार आपने 3 महीने से हड़ताल पे अपने जारी रखी है, और लगातार महिलाएं आपसे आंगनबाड़ी जिस विकास में धरना रखा है, उसके बाद आपका क्या कहना है? हमारा धरना 29 तारीख तक चलेगा, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम 29 तारीख को करनाल जाएंगे, एक बड़ा महापड़ाव करेंगे। अगर फिर भी आपकी मांगे पूरी, उसके बाद नेक्स्ट कदम आपका क्या होने वाला है? आया निश्चितकालीन हड़ताल में चलेगी। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।